नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकित और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल नर्सिंग कॉलेज घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें दो आरोपियों को जबलपुर हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है, तो वहीं अभी तक इस मामले की जांच रिपोर्ट नहीं सौंपी गई है। बता दें कि इस मामले में कई अधिकारियों समेत सीबीआई के भी कुछ अधिकारी भी गिरफ्तार हुए थे और इस पूरे मामले में गिरफ्तारियों दिल्ली सीबीआई ने की थी। इधर फर्जी नर्सिंग कॉलेज को मान्यता देने के मामले में सीहोर जिले में एफआईआर हुई थी, जिसमें गांधी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर हरि सिंह और स्टाफ नर्स नेहा सोनी और अन्य पर भी एफआईआर हुई थी। अब डॉक्टर हरि सिंह और स्टाफ नर्स नेहा सोनी को जबलपुर हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है। कांग्रेस मीडिया विभाग अध्यक्ष मुकेश नायक ने कहा है कि 4 जून तक जांच रिपोर्ट देने की बात कही गई थी, मगर अभी तक जांच रिपोर्ट नहीं आई है। कि इनको बहुत बड़ा अवसर मिला है, तो ये जो जिम्मेदारी मिली है उससे संबंधित प्रदेश के जो हित है उनका संरक्षण होगा और वो आगे बढ़ेंगे, हमारी शुभकामनाएं हैं। अब देखिए, उन्होंने जून में रिपोर्ट देने के लिए कहा था नर्सिंग घोटाले का, आई रिपोर्ट 4 जून तक उन्होंने कहा था कि हम इसकी रिपोर्ट दे देंगे। अभी तो बैठक ही नहीं हो पाई उनकी, जो सदस्यों की कमेटी बनाई है। तो ये जितने भी घपले और घोटाले होते हैं और जब भी उसमें सत्याग्रह होता है तो इनका एक फिक्स फॉर्मेट है कि ये एक आयोग बना देते हैं। आयोग को ये तो पहली बार है कि आयोग की एक लिमिट भी दी है उन्होंने कि इतनी तारीख तक जांच करो, नहीं तो 50% जांच ऐसी होती हैं जिन जो टाइम बाउंड नहीं होती हैं। अब होती रहेगी जांच 20 साल तक, जैसे व्यापम की हो रही है। उनके ग्रेस मार्क्स को रद्द किया है और उनके लिए री एग्जामिनेशन के लिए कहा है। ऐसा इसलिए कहा है कोर्ट ने ताकि जो अगला शिक्षा सत्र है डॉक्टर्स का, इसकी काउंसलिंग टाइम बाउंड हो सके, समय पर हो सके। एक सत्र लेट होने से या एक सत्र का नुकसान होने से पूरे देश में हजारों डॉक्टर हर साल जो बनते हैं उसकी एक वर्ष की लिंक टूट जाएगी। मुझे लगता है उस नुकसान से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया। जो री एग्जाम करने की मांग कर रहे हैं अन्य बच्चे पूरे एग्जाम की, वैसे जब संदेह उत्पन्न होता है और जब किसी भी एग्जामिनेशन की प्रामाणिकता खत्म हो जाती है तो उसकी री एग्जामिनेशन कराना चाहिए इन्हें। यार वो बीजेपी का इंटरनल प्रोग्राम है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं उसमें, शुभकामनाएं दे सकते हैं उनको कि भैया बने हो, अच्छे से काम करना, भ्रष्टाचारी मत करना, और हम लोग क्या कर सकते हैं। बीजेपी का कार्यक्रम है, बीजेपी के मंत्री हैं। खबर समीक्षा के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।